अब मैं बताखिर खतीब इस्लाम माशाल्लाह मुबल्लिग इस्लाम आलिम मुक्तदा सुभान अल्लाह रईस अल बायदीन रईस अल मुदर्रिसीन बल्ला सीनत अल हुफाज सीनत अल कुबा सीनत अल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जहीद बट साहब उनसे मुल्तमिस हूं स्टेज पर तशरीफ फरमा हूं और अपने इरशादात हमीदा से हमें नवाजे नाराए तकबीर समझ अता फरमाए और हमें हमेशा के लिए अपने
अपने पाकीज़ा कलाम से सच्ची और अपने महबूब से कामिल वाबस्तगी नसीब। आमीन। शामिल ग्रामी कद, आज की ये मुबारक रात इंतहाई मोहतरम, मुबारक और अजमत व फजीलत की हामिल रात है। आज की रात, जैसा कि तारी साहब ने आपको बताया, कई नस्बतों की हामिल है। आज की रात को अल्लाह तबारक व तआला का वो लारैब कलाम उतरा जिसने पूरी दुनिया के फुसहा और बुलावा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसा बेबस कर दिया कि बकौले आला हजरत, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस अरब मुआशरे में तशरीफ लाए और आपने इन्हें पैगाम दिया, रब का कलाम सुनाया, तो यहाँ बड़े बड़े फसीहुल लिसान और बलीगुल बयान खतीब वाइस अपनी जबान दानी, अपनी शायरी और खिताबत पे नाज करने वाले ये सब मौजूद हैं, लेकिन हुजूर जब आपकी बारगाह में आते हैं और आपकी जबान मुकद्दस से वो कलाम सुनते हैं तो फिर इनकी कैफियत यूं होती है कि तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान। ये वही कलाम लारैब है जो दिल की गहराइयों में उतरता है तो अपनी तासीर किए बगैर नहीं रहता। जब ये रूह की गहराइयों में उतरता है तो फिर इंसान के दिलो दिमाग में वो इंकलाब पैदा होता है, उसकी सोच और फिक्र में वो तब्दीली रूनुमा होती है और उसके दिल का जंग ऐसे धुलता है कि फिर इंसान तमाम तर दुनियावी मुआमलात से मुनकते होकर रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होकर अपने उन मुआमलात पे शर्मिंदगी के आंसू बहाता है जो उसके गफलत में गुजर चुके हैं। लेकिन शर्त यह है कि इंसान सुबह के वक्त, तन्हाई के वक्त, सहरी के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत के लारैब कलाम को पढ़े। और उलमा फरमाते हैं, अहले इल्म फरमाते हैं कि दुनिया जहां के जिक्र में और दुनिया जहां की बातों में, दुनिया जहां के कलाम में और बंदों की बातों में वो तासीर न मिलेगी जो सुबह सहरी के वक्त रब का कलाम पढ़ने में मिले। लेकिन शर्त यह है कि इंसान सुबह तन्हाई में बैठकर ये कुरान पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम पढ़े। मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम का फरमान है, आप फरमाते हैं, जब मैं चाहता हूँ कि मैं रब से कलाम करूँ मैं नमाज पढ़नी शुरू कर देता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि मेरा रब मुझसे कलाम करे मैं कुरान पढ़ने लगता हूँ। तो कुरान अल्लाह का कलाम है, ये वही कलाम लारैब है कि 14 सदियों से ज्यादा का अरसा बीत गया, इसकी एक जेर जबर भी कोई तब्दील नहीं कर सका। अहले इल्म बताते हैं कि रंजीत सिंह के दौर में कुरान मजीद छपता था, हिंदुओं के प्रेस थे और हिंदुओं के प्रेस आप भी अब भी मौजूद हैं, बहुत सी दीनी किताबें छपती रहीं। लखनऊ में नवल किश्वर का एक मकबा था, कदीमी कुतुब खाना था और बेशुमार कुतुब खाने थे हिंदुओं के पास, सिखों के पास ये प्रेस का काम था। तो सिखों ने आकर रंजीत सिंह से कहा कि तुम्हारी हुकूमत है और तुम्हारी हुकूमत में मुसलमानों का लारैब कलाम छप रहा है, उनकी मुकद्दस किताब छप रही है, तो कैसा हो, क्या ही अच्छा हो कि तुम उस कुरान में कोई तब्दीली कर दो, तुम्हारे हाथ से तब्दीली हो जाए किसी को क्या पता चलेगा। तो रंजीत सिंह था तो सिख, पर उसका जवाब सिखों वाला नहीं था, जवाब उसका अकल वाला था। कहने लगा, अरे अबू जहल अरबी होकर कुरान नहीं बदल सका, मैं पंजाबी सिख होकर। जिनकी जबान अरबी थी वो कुरान को नहीं छेड़ सके, जिनकी जबान अरबी थी वो सारी मेहनत करके भी कुरान के आगे बेबस हो गए, जबानें गुम हो गई और तमाम तर तवानाइयां खत्म हो गई, मैं पंजाबी होकर कैसे बदल सकता हूँ। फिर किसी ने कहा, अच्छा चलो सरदार जी यूं करो कि कुरान को नहीं बदल सकते,
उसमें तब्दीली तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रिंटिंग में जब बाइंडिंग होती है, जिल्दबंदी होती है, तो कुछ सफे आगे पीछे कर दो, सफे आगे पीछे लगा दो, ताकि हाफिज कुरान गलत याद करे। फिर भी उसका जवाब बड़ा अकल और दानिश वाला था, कहने लगा, ओ खुदा के बंदो, मैं कागज के सफे तो आगे पीछे कर सकता हूँ, पर दिलों के सफे सिर्फ सूरह कौसर लिखी, इन्ना आतैनाकल कौसर,
फसल्ली रब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। सुभान, लेकिन लिखी कैसे? इस तरह लिखी के दो आयतें ऊपर आमने सामने, जैसे एक शेर होता है और शेर के दो मिसरे होते हैं। इन्ना आतैनाकल कौसर दाएं, और इसके बाद फसल्ली रब्बिका वन्हर उसके आगे बाएं, यूं मासूफ हो जैसे एक शेर है। और तीसरी लाइन में, दूसरी लाइन में नीचे लिख दिया इन्ना शानिका हुवल अब्तर और लटका के चले। कुछ दिन गुजरे तो देखा कि वो जो तीसरी सत्र है उससे आगे कुछ और लिखा हुआ है। बड़े हैरान हुए कि ये अल्लाह के कलाम के आगे कोई क्या लिख गया। उसको लिखा इस अंदाज में था कि पहली लाइन कंप्लीट है, दूसरी लाइन गोया कि एक मिसरा लग रहा है और एक मिसरे की जगह खाली महसूस हो रही है। जब करीब जाकर देखा, उसे उतारा तो वहां देखा क्या लिखा हुआ है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली रब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अब्तर हाज़ा लैसा मिन कलामिल बशर। तो लिखने वाले ने उसको कंप्लीट नहीं किया, अपनी बेबसी का इकरार किया, अपनी लाचारी और अपनी बेबसी का इकरार किया है कि हम इस जैसा कलाम नहीं बना सकते। ग्रंथ के सामने कुरान मजीद के हवाले से बेशुमार वाकयात हमें मिलते हैं। आज की इस महफिल में पेश करने के लिए तारीख के दामन से एक वाकया मुंतखब किया है जिसके रावी हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پائے کے محدث، بڑے عظیم المرتبت مفسر، عالم، متقی، پارسا، بڑے ولی کامل گزرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حج کا موسم تھا، اور یہ جو میں واقعہ اس طرح لگا ہوں اس سے میرے جو دوست وفاد اور قراء ہیں یا علماء ہیں وہ تو الحمدللہ لطف اندوز ہوں گے، چونکہ اس میں قرآنی آیات کا ذکر بار بار آئے گا۔ آپ بھی توجہ فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی لطف محسوس ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں حج سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک بڑھیا خاتون بیٹھی ہیں، بڑی عمر کی خاتون ہیں۔ میں نے جا کر انہیں سلام کیا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواباً اس بڑھیا نے آگے سے سلام کا جواب دینے کی بجائے پڑھ دیا سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے اس بڑھیا کے چہرے کی طرف دیکھا، اس نے آگے سے پڑھا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ راستہ بلا دے اسے کوئی راستہ بتانے والا نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ بڑھیا خاتون راستہ بھول گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے خاتون آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے یہاں پر؟ پوری تین راتیں گزر گئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں کھانے کا بندوبست کیا ہے؟ تو کہنے لگی الذی هو یطعمنی ویسقین، وہی رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ میں نے پوچھا آپ ویرانے میں ہیں، نماز پڑھتی ہیں، وضو کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ فرمانے لگی فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لو۔ میں نے کہا کہ آپ قافلہ سے بچھڑ گئی ہیں، آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو ہر چیز کے بارے میں سوال نہ کیا کرو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ نہیں بتانا چاہتی۔ میں نے اس بڑھیا خاتون سے عرض کیا کہ کیا آپ پسند کریں گی کہ میں آپ کو قافلے کے ساتھ ملا دوں؟ انہوں نے پڑھا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو نیکی کا کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا یہ کھانا ہے، میری طرف سے تناول فرمائیے پھر سفر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے مجھے جواب اٹکا اور وہ نیچے گرنے لگی، تو ساتھ ہی قرآن کی آیت پڑھی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ پھر دوبارہ اس پر سوار ہو گئی اور سوار ہوتے ہوئے پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین، میں لے کے چلنے لگا
अल्लाह मुबारक फरमाते मैं लेके चलने लगा तो मैं जैसे अरबों का तरीका है रास्ते में कुछ अशआर पढ़ते हैं मैं अशआर पढ़ना शुरू हो गया तो मुझे कहने लगी फकरू मा तयसर मिन अल कुरान, अगर कुरान याद है तो वो पढ़ो। मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत ऊंचे लहजे में पढ़ने लगा तो फरमाने लगी वक्सिद फी मशी का वक्सुद मिन सौतिक, जरा दरमियाने लहजे में पढ़, आहिस्ता आवाज में पढ़। आप फरमाते हैं मैं लेके चलने लगा। मैंने फिर पूछा अम्मा जान आपके कोई बेटे, आपका कोई सामान, आपका कोई घर बार? तो फरमाया अल मालू वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया। इससे मैं समझ गया कि माल भी है इनका, इनके बेटे भी हैं। मैं उनको लेके चलने लगा और फिर मैंने पूछा कि आपके बेटों के कोई नाम? तो उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ। मैं समझ गया कि तीन बेटे हैं, एक का नाम इब्राहिम है, दूसरे का नाम मूसा है, तीसरे का नाम यहया है। जब मैं काफिला लेकर उनके पास पहुंचा, अपना जान को लेकर उनके काफिले पे पहुंचा तो उन्होंने जाकर अपने बेटों से कहा فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا, कि ये पैसे देकर किसी को बाजार भेजो और वो खाना लाए और इस मेहमान को खाना खिलाया जाए। मैंने अम्मा जान से कहा आप हमारी जबान में गुफ्तगु क्यों नहीं करती? तो उन्होंने पढ़ा मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीक, इंसान जो भी कलाम करता है उसके पास मुहाफिज फरिश्ता है जो उसकी हर बात लिख रहा है। लिहाजा गोया वो कहना ये चाहती थी कि मैं चाहती हूँ कि जब मेरा मुहाफिज फरिश्ता मेरा कलाम लिखे तो वो मेरा कलाम ना हो, वो मेरे रब का कलाम। उस दिन भागेगा इंसान
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ سَگَا بھائی سَگِی ماں سَگَا باپ سَگِی بیوی اولاد سارے قریبی رشتہ دار ان سب سے بھاگے گا کیوں بھاگے گا لِکُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اس دن جب کوئی نہ پوچھے گا قرآن جسے ہم نے رات میں پڑھا وہ قرآن جسے ہم نے نیند قربان کر کے پڑھا وہ قرآن جسے ہم نے اپنا کاروبار زندگی چھوڑ کے پڑھا اور وہ قرآن جسے ہم نے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھا ہے وہ قرآن عرض کرے گا اے رب اے رب یا اللہ یہ تھا مندا اسے میں نے رات کی نیند چھڑا دی اسے میں نے رات کا آرام چھڑا دیا یا اللہ اس نے تیری رضا کے لیے مجھے پڑھا ہے آج میں اس کی شفاعت کرتا ہوں یا اللہ آج میری شفاعت کو قبول کر لے میرے آقا فرماتے ہیں اس قرآن کی شفاعت کو اللہ قبول فرما لے گا تو یہ قرآن کی دوستی بیکار نہیں ہے یہ پتہ اس وقت چلے گا کہ جب دنیا کے سارے رشتے ناطے چھوڑ جائیں گے اور پھر انسان اس وقت اس حقیقت سے آگاہ ہوگا کہ کتنی عظیم دولت تھی جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی یہ تو سامعین گرامی کا قرآن کی ایک جہت کا بیان ہے اس کی تلاوت اس کی روحانیت کے عالم اور ہیں اس پہ اگر کوئی انسان عمل کرتا ہے اس کے انوار و تجلیات اور ہیں اور اس کے اوپر بے شمار قرآن پاک اور احادیث مقدسہ سے ہمیں دلائل ملتے ہیں لیکن چند باتیں میں آج کی رات کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جو 27ویں کی رات ہے یہ رات بھی اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہم گناہگاروں کو عطا فرمائی ہم اس قابل نہ تھے لیکن رب نے کرم فرمایا اتنا کرم فرمایا کہ وہ کام جو پہلی امتیں کئی کئی سو سال لگا کر کرتی تھی سو سال اس سورت قدر کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا جو 1000 سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے اللہ اللہ کرتے رہے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی ہماری تو زندگیاں اتنی لمبی نہیں ہیں عمریں اتنی طویل نہیں ہیں ہمارا کیا بنے گا اتنی لمبی زندگی ہمیں ملی نہیں ہم رب کو راضی کرنے کے یہ کام کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں یہ ایک رات عطا فرمائی اور اس رات کے بارے میں قرآن نے یہ کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تم سوچتے ہو کہ 1000 سال زندگی کیسے ملے گی ارے ہم تمہیں ایک رات دے دیتے ہیں جو اس رات میں بندگی کر کے ہمیں راضی کر لے گا وہ رات 1000 مہینے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہو بہتر ہوگی تو یہ اللہ کا کرم ہے اس نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے اس رات میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے کون سی عبادت کرنی چاہیے کوئی ایسی عبادت ہمیں پتا چل جائے جس کے کرنے کی وجہ سے ہمیں اس رات کی برکتیں نصیب ہو جائیں اہل علم نے نوافل کا بھی ذکر کیا ہے کچھ نمازیں بھی بتائی ہیں کہ یہ مخصوص نمازیں آپ پڑھ لیں ایک نماز ایسی بھی ہے جس کا ہمیں حدیث پاک میں ذکر ملتا ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی حاجت ہو تو وہ نماز پڑھا کرے اور وہ دعا کیا کرے وہ نماز کیا ہے وہ دعا کیا ہے وہ ابھی مولانا طارق امین صاحب آپ کو ڈینش زبان میں بتائیں گے وہ کون سی دعا ہے وہ کون سی نماز ہے وہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیسے ذکر فرمایا تو سامعین گرامی آج کی رات نوافل پڑھے جائیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنے تمام تر گزشتہ گناہوں پر سچے دل سے آنسو بہائے جائیں سچے دل سے مولا کو راضی کرنے کے لیے کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں رب کو راضی کرنے کے لیے انسان سچے دل سے کوشش کرے آج کی رات کی برکت سے جیسے خود قرآن نے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم آج کی رات کی یہ خصوصیت معمولی ہے معمولی خصوصیت مفسرین فرماتے ہیں لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین سدرۃ المنتہی سے 70,000 فرشتوں کو لے کر زمین پر آتے ہیں سبحان اللہ 70,000 فرشتے آتے ہیں اور علامہ راضی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے تفسیر کبیر میں آپ فرماتے ہیں فرشتوں کو ہماری عبادت کا کیا شوق ان کا تو اپنا دامن عبادتوں سے بھرا ہے ان کی اپنی جھولی رب کی تسبیح تقدیس اور اس کی پاکی کے نغمات سے بھری پڑی ہے ہماری عبادتیں دیکھنے کا کیا شوق وہ کیا دیکھنے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں تو علامہ راضی نے بڑی پیاری بات لکھی وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے فرشتے رب کی تسبیح کرتے ہیں فرشتے ہر وقت اس کی بندگی کرتے ہیں لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں
जो रब के बंदे ऐसी करते हैं जो फरिश्तों को भी नसीब। सुभान अल्लाह। खुद भूखा रहकर अपने मुसलमान भाई की भूख को मिटा देना, अपनी तकलीफ को भूलकर किसी की तकलीफ का मुदावा करना, अपने दुख अपनी परेशानियों को भूलकर किसी के काम आ जाना और फिर अपने गुनाहों पर रोना, हिचकियों के साथ, सिसकियों के साथ गिड़गिड़ाते हुए आंसू बहाते हुए, ये वो इबादत है जो इबादत रब ने फरिश्तों को भी अता की थी। ये सिर्फ इंसानों को नसीब हुई, ये फरिश्तों को नहीं हुई। फरिश्तों को क्या पता कि रोना किसे कहते हैं? फरिश्तों को क्या पता कि जब इंसान अपनी जात को कुर्बान करके किसी की खातिर रब की बारगाह में झोली फैलाता है, सारी रात बंदगी करता है, सारी रात नफल पढ़ता है, सारी रात इस्तिगफार करता है, और जब सुबह के टाइम झोली फैलाकर रब से दुआ मांगने का वक्त आता है तो फिर दुआ करता है, या अल्लाह मेरे भाई की हाजत पूरी कर दे, या अल्लाह मेरी बहन की हाजत पूरी कर दे, या अल्लाह मेरे दोस्त की हाजत पूरी कर दे। रब का आला फरिश्तों से फरमाता होगा, ये है वो इंसान जिसके बारे में तुमने कहा था ये जमीन में खून रेजी करेगा। देखो सारी रात मेहनत इसने की है और जब कमाई लेने का वक्त आया है ये अपने भाई पर इशार कर रहा है। ये तो मामूली बात नहीं है, ये इशार हर एक से होता भी कोई नहीं। सारी रात हम नफल पढ़े और दिन को दुआ करते हुए हमें सबसे पहले अपनी फिक्र हो गई, हमने रात भर इबादत की, हम किसी के लिए क्यों करें? लेकिन जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है वो अपनी दुआओं के साथ दूसरों को भी शामिल करते। तो ये बहुत बड़ा इशार है, बहुत बड़ी कुर्बानी है कि रात भर बिस्तर को छोड़ देना, रब की बारगाह में बंदगी करना, और सुबह जब रब की बारगाह से इनाम मिलने का वक्त आए तो फिर रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करना, या अल्लाह मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, उम्मत मुस्लिमा के हर हर फर्द को या अल्लाह करीम अपनी करम नवाजियों से हिस्सा अता फरमा। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और फिर ये भी बात कि रब की बारगाह में जो रोना और हिचकियों और सिसकियों के साथ अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू हैं, हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम ये है कि कभी बंदा रब से मांगता रहता है, रोता रहता है, आंसू बहाता रहता है, अपनी आरजू की खातिर, अपनी तमन्ना की खातिर दस्ते सवाल फैलाता रहता है, झोली पसारता रहता है, रब को याद करता रहता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी नहीं करता। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ये तेरा बंदा तुझे राजी करने के लिए तुझे पुकार रहा है। रब फरमाता, छोड़ दो, मुझे इस बंदे का रोना पसंद है, मुझे इसका रोना पसंद है, आज इसका मामला हल नहीं करेंगे, इसका फैसला कयामत के दिन करेंगे, इसको रोने दो, इसका रोना ही मुझे पसंद है। तो कभी कभी गुनाहगारों का रोना इबादत करने वालों की तस्बीह से भी आगे निकल जाता है, इबादत करने वालों की तस्बीह पीछे रह जाती है, और गुनाहगार जो सच्चे दिल से अश्के नदामत बहाता है रब की बारगाह में वो कबूल हो जाते हैं। लिहाजा आज की रात अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से नदामत के आंसू बहाए जाए। रब को याद करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि अरबी जबान में उससे कलाम की जाए, कोई जरूरी नहीं कि हम बड़ी लंबी चौड़ी लफ्ज चुन चुन कर दुआएं मांगे। अगर रब से दुआ करने के लिए अरबी सीखना ही जरूरी हो तो जाहिल बेचारे किधर जाएं, वो किससे मांगेंगे? अगर रब से दुआ करने के लिए बड़े लंबे चौड़े जुमले ही जरूरी हो तो फिर जो अनपढ़ लोग हैं वो बेचारे कहां जाएं? और अगर रब से मांगने के लिए जबान हिलाना ही जरूरी हो तो फिर घूंघे किधर जाएंगे? रब की बारगाह में तो कबूलियत के लिए यही काफी है कि इंसान सच्चे दिल से उसकी बारगाह में झुक जाए, चाहे जबान पे कुछ भी ना हो लेकिन दिल में ये हो कि मौला मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरी अता है, सब कुछ तेरा करम है, मैं दुनिया का सबसे निकम्मा और नाकारा इंसान हूं। ये एहसास दिल में आ जाना, ये तसव्वुर दिल में जमा लेना, ये बंदे को रब के करीब ले जाता है, चाहे वो जमाने भर का अनपढ़ क्यों ना हो। लेकिन एक बहुत बड़ा आलिम है, बड़ी लंबी चौड़ी बड़ी खूबसूरत दुआ करता है लेकिन दिल उसका दुनिया में फंसा हुआ है, तो इसकी दुआ का कोई फायदा नहीं। और एक अनपढ़ जो कुछ नहीं जानता रब की बारगाह में मुसलसल आंसू बहा रहा है और दिल के साथ, क्योंकि रब फरमाता है वो अलीमुम बिजात सुदूर, सीने में जो बारीक से बारीक राज होते हैं रब उनसे भी आगाह है। तो इंसान अपने दिल को रब की तरफ मुतवज्जे करे और फिर जबान पे कुछ आए या ना आए, उसके होंठों की कपकपाहट,
उसकी आंखों के बहते हुए आंसू और उसके हाथों की कपकपाहट, ये भी रब को मुतवज्जे कर सकते। अगर इंसान सच्चे दिल से उसे पुकारेगा तो फिर कोई जरूरी नहीं कि कोई जमाने भर का बहुत बड़ा फसीह हो, बलीग आलिम हो, कोई खतीब हो, कोई मौलवी साहब हो, तो उन्हीं की दुआ कबूल होगी। नहीं, रब को मनाने के लिए, उसकी बारगाह में मुतवज्जे होने के लिए और उसकी रहमत को अपने करीब लाने के लिए सिर्फ बंदगी जरूरी है, आजजी जरूरी है, इंसान के दिल में एहसासे नदामत जरूरी है। ये पैदा हो जाए तो रब की रहमत इंसान की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। सामीन गिरामी, आज कारी साहब ने शेड्यूल बताया आपको, लेकिन एक बात मैं फिर अर्ज कर दूं, कारी साहब बताना भूल गए, आज आपको एक वक्त दिया जाएगा जिसमें आप पूरी आजादी से इबादत कर सकते। मैं जाती तौर पर इस चीज का कायल नहीं हूँ, मेरी बात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आपको इख्तलाफ राय का हक है, मैं अपनी बात ठोंसना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि सारी रात महफिल सजाने की बजाय अगर हम एक घंटा इसमें फारिग कर दें जिसमें आप अपनी मर्जी से नवाफिल पढ़ें, तस्बीह करें, दुरूद पाक पढ़ें, जो चाहें करें, महफिल जरूर जारी रहेगी, सलात तस्बीह भी होगी और डैरिश में तकरीर भी होगी, ना शरीफ भी होगी, लेकिन सारी रात ना शरीफ की बजाय अगर एक घंटा या पौन घंटा ऐसा मिल जाए जिसमें हर बंदा तन्हाई में बैठकर वो हो या उसके रब की याद, उसका अपने रब से मौला से ताल्लुक हो, तो ये वक्त भी होना चाहिए। इस वक्त में हर शख्स अपनी हैसियत, अपनी तौफीक और अपनी हिम्मत के मुताबिक अपने रब की रहमत को मुतवज्जे करने के लिए चाहे रोए, आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए, जो कुछ भी करे, लिहाजा ये वक्त भी इंशाअल्लाह अजीज होगा। और अभी जैसा कि कारी साहब ने ऐलान किया था, अभी दुआ होगी, दुआ के बाद आपको मुख्तसर सबक दिया जाएगा और उसमें आप ताज़ा वजू कर लें, अपना इस्तिंजा की हाजत है तो वो कर लें, चाय वगैरह पी लें, उसके बाद दोबारा महफिल शुरू होगी और इसमें तीन दैन सवान में तकरीरें हैं, वो भी आप समाप्त फरमाएं, सनाखानी भी होगी, सलात तस्बीह भी होगी और इसके अलावा जो वक्त मैंने अर्ज किया वो भी आपको इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो आप तमाम अहबाब आज की रात को गनीमत समझते हुए, आज की रात खुदा बेहतर जानता है जिंदगी में दोबारा आए या ना, किसी के पास कोई जमानत नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि किसने आइंदा साल रहना है कि नहीं रहना, लिहाजा जो लम्हे रब ने हमें दिए हम उन्हें गनीमत जानें, इनसे भरपूर फायदा उठाएं। हमारा काम दस्तक देना है, रहमत के दर खोलना ये उसका काम है, हमारा काम ये है कि हम उसकी रहमत के दरवाजे पे दस्तक देते रहें, उसे पुकारते रहें। वो फरमाता है उजी उदावत दाई इजा दा, जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। अल्लाह करीम जल्ला मजला से मुझे भी आपको भी हम सबको आज की रात के साथ साथ अपनी सारी जिंदगी इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, गुलामी और इताअत में हिस्सा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें तारैन की शहादत नसीब फरमाए। आमीन।